रैप आपके लिए क्या है? रैप मेरे लिए मतलब कि मैं ज्यादातर वही चीजें लिखता हूँ जो मेरे साथ बीती है और जो मैं कर रहा हूँ। JS Productions। लैंडलॉर्ड बने यहाँ पे कौन सी का बता, लैंडलॉर्ड 32 मेरे हाथ में है, फाइल करें शोर। Hey guys, this side Prince Kazania और मैं पिछले 7 साल से गाने बना रहा हूँ और लिख रहा हूँ। ये दुनिया रुक जाए पर ये गाने नहीं रुकेंगे और बहुत तगड़े तगड़े गाने आने वाले हैं। चलो मिलते हैं। Ready और start bro। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। किंग ऑफ रैप बनने के लिए भी ऐसी ही कोई चाहत की जरूरत पड़ती है। ऐसा बंदा हूँ कि मैं खुल के किसी से कुछ बात नहीं कर पाता, तो मैं अपने म्यूजिक, मेरा म्यूजिक ही सब कुछ है मेरे लिए और मैं दिन रात इसी के साथ रहता हूँ, इसी से जुड़ा रहता हूँ, इसी से ही बहुत प्यार करता हूँ। जितना कि मैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, उतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चाहत का नियम सिंपल है, हार मान ली तो गेम ओवर। लैंडलॉर्ड बने यहाँ पे कौन सी कब बता, लैंडलॉर्ड 32 मेरे हाथ में, फाइल करें शोर तेरे गांव में। जब आप में एक पैशन होता है तो आप बेचैन हो जाते हैं और बेचैनी में, और मैंने 8 तक पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने म्यूजिक के लिए ही छोड़ा था स्कूल क्योंकि मेरे को वहाँ इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो मैं वहाँ पर गया। अब एक तरफ पैशन के ऊंचे सपने और एक तरफ घर वालों की जिम्मेदारियाँ दोनों कंधों पे खेलना शुरू कर देती हैं। और फिर मैंने जॉब करी, सेटअप किया, फिर उसके बाद सेटअप करने के बाद फिर गाने वगैरह पे लगाने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट था घर से भी, घर भी थोड़ा अपना जैसे होता है मिडिल क्लास सबका इतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैंने उसके लिए जोमेटो भी किया 6-7 महीने। प्रिंस के लिए ये एक आपदा है और इसे उसे एक अवसर में बदलना ही होगा। जोमेटो फिर मैंने छोड़ा, फिर अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत मेरी क्लाइंटेज है, रिकॉर्डिंग वगैरह से थोड़ा बहुत मैं करता हूँ और आगे मेरे को होप है कि मैं कर लूँगा कुछ। आज प्रिंस कम कमा रहा है पर जो भी कमा रहा है अपने मन से कमा रहा है। जब चले डूंगे तू बाजार में, यार तेरा खड़ा छाती चौड़ी मारे रो, आंख तेरी गंजी मारे तीर मस करो। प्रिंस की कहानी जुनून की है, खाने की डिलीवरी से लेकर बीट्स की डिलीवरी तक। ये कहानी जमनापार के रैप सीन की आत्मा है जो चीख चीख कर कह रही है और ये है दिल्ली पीडिया प्रेजेंट्स तर्ज दिल्ली रोज़। तेरी अपनी जगह है ब्रो, तेरी अपनी जगह है।